दोस्तों आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ए ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी भारत। तो हमारा सी सही हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ये ऑप्शन है अपना ग्रीक, बी करुष्टि और सी है ब्राह्मी और डी है अरमाइक। तो इसमें अपना सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी अपना सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है कि सहकारी बैंक है कि अग्रणी कि वाणिज्यिक बैंक? बताइए दोस्तों, इसमें अपना ए सही हो जाएगा। कौन सा है? केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी केंद्रीय बैंक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? ए हो जाएगा आपका चमगादड़, बी व्हेल, सी कंटीला चींटीखोर और डी पार्डिल चींटी। इसमें अपना सी सही हो जाएगा, कंटीला चींटीखोर। कंटीला चींटीखोर होता है जो अंडा देने वाला स्तनपाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर चलते हैं। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। कौन से देश को चारागाह का पैम्पास, मतलब चारागाह को पैम्पास कहा जाता है, कौन से देश में कहा जाता है? तो इसमें अपना कौन सा सही होगा? इसमें अपना बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, चूना की सोडियम कार्बोनेट की पोटेशियम परमैंगनेट। क्या मिलाने से? सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातु की विशेषता है? इसमें नंबर डालने भूल गए हैं, तो इसमें अपना कौन सा वाला सही होगा? यहाँ पर ए लिख रहे, बी सी या डी, बताइए दोस्तों। इसमें अपना ए सही हो जाएगा, यौगिक। यौगिक है, मिश्र धातु की विशेषता नहीं है। यौगिक मिश्र धातु की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया था? बताइए दोस्तों, इसमें अपना सही हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, पीपल का पेड़ है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? पीपल के पत्ता होता है उसी की तरह भारत रत्न का डिजाइन, उसी में मतलब भारत रत्न होता है जो उसके अंदर पीपल के पत्ते ऐसा डिजाइन बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन है जो, उसको किसने संगठित किया? तो इसमें अपना सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने। किसने किया? गुरु राम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, देखिए झूम कृषि है वो कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो इसमें अपना हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में। कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो हमारा चैनल है तो इसको B2 सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा और इससे अच्छा भी वीडियो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैनल है B2 सक्सेस, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन में और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन में डाउट है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।